नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगी। लीजिए पेश है आज की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी में दो डॉक्टर की लापरवाही से एक गर्भवती महिला के दो गर्भस्थ शिशु सहित मौत हो जाने पर मृतका के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर माली समाज ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार करने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकारी डॉक्टर हेमंत शर्मा ने आरके हॉस्पिटल में सिलेगढ़ निवासी कृष्णा पत्नी गोपाल लाल माली को सामान्य चेकिंग करवाने पर उसे स्वस्थ बताते हुए 5 सितंबर को सामान्य प्रसव की गारंटी दी और 15,000 रुपये जमा करवा कर प्रसूता को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। फिर अचानक ऐन वक्त पर नून हॉस्पिटल ले जाने के निर्देश दिए, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। प्रसूता की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने मृतका के शव को सरकारी अस्पताल लाकर पुलिस थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ 3 हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए की जा रही कार्रवाई की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। 5 तारीख को हेमंत शर्मा के डॉक्टर निजी हॉस्पिटल में, उसमें लापरवाही के द्वारा मौत हुई है 2 बच्चों की और 1 गर्भवती महिला। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है। उन्होंने जब नॉर्मल चेकिंग के लिए वहाँ पर लाए थे तो उन्होंने नॉर्मल चेकिंग करके कहा था कि नहीं, इसकी डिलीवरी सवेरे तक नॉर्मल होगी और ये गारंटी भी दी थी उन्होंने। उसके पश्चात उन्होंने फिर दिन में फिर कहा कि नॉर्मली होगी। 2 बार फिर परिजनों ने पूछा उनसे। भवानी मंडी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन व सभी अधिकारियों द्वारा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शहरवासियों को मास्क बांटे गए और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान बड़ौदा बैंक के मैनेजर का बिना मास्क लगाए बैंक में बैठने पर 200 रुपये का चालान काटा गया। रैली के दौरान राहगीरों व बाहर से आने वाले यात्रियों को मास्क का वितरण कर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी राम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा, अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा सहित पूरा पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। पिड़ावा में एक सिरफिरे पड़ोसी युवक द्वारा 7 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया। घटना पिड़ावा थाना क्षेत्र के रामटी गांव की है। रामटी गांव का रहने वाला एक 7 वर्षीय बालक कल शाम को घर से खेलने के लिए गया था। खेलते समय उसका 19 वर्षीय पड़ोसी जितेंद्र उसे किसी सुनसान इलाके में ले गया और बालक के साथ कुकर्म किया। घटना के बाद रोता हुआ बालक अपने घर पहुंचा और आप बीती अपनी मां को सुनाई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार के लोग सकते में आ गए और बालक को लेकर सीधा थाने पहुंचे। पिड़ावा पुलिस ने आरोपी जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बालक को उपचार के लिए पिड़ावा अस्पताल में भर्ती करा दिया। देर रात बालक की हालत बिगड़ने पर बालक को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में बालक का उपचार चल रहा है, अभी उसकी हालत ठीक है। उधर पिड़ावा पुलिस ने आज सुबह आरोपी युवक जितेंद्र की गिरफ्तारी के लिए रामटी गांव में पुलिस की एक टीम भेजी है, लेकिन आरोपी युवक घर से फरार हो गया। पिड़ावा के कोटड़ी गांव निवासी एक वृद्ध की सड़क हादसे में मौत हो गई। हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार ने बताया कि कोटड़ी गांव निवासी 60 वर्षीय भवानी शंकर पुत्र कालूराम मेघवाल बाइक से अपनी बेटी के ससुराल गेलानी गांव जा रहा था, तभी गेलानी नहर के समीप बाइक फिसलने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से पिड़ावा अस्पताल लाया गया, जहाँ जाँच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिड़ावा पुलिस ने शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। गंगधार पुलिस ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर में पुलिस उप अधीक्षक ब्रज मोहन मीणा के नेतृत्व में थाना प्रभारी संजय मीणा और उनकी टीम ने रैली के माध्यम से नागरिकों और दुकानदारों को मास्क बांटे और मास्क लगाने के बारे में समझाया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई दुकानदार और नागरिक बिना मास्क के पाया गया तो चालान काटकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रैली बाजार के मुख्य रास्तों से निकाली गई। अकलेरा कस्बे में भी पुलिस उप अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस उप अधीक्षक राजावत ने अकलेरा व घाटोली थाना अधिकारियों के जाब्ते के साथ मिलकर कस्बे के मेन बाजार सहित पूरे अकलेरा वृत्त में घूम घूम कर लोगों को कोरोना एडवाइजरी का पालन करने की सीख दी।
इस मौके पर कई लापरवाह लोगों के बगैर मास्क के चालान भी बनाए गए। कस्बे में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी कोरोना को लेकर कई लोग लापरवाह बने हुए हैं, जिन्हें लगातार समझाया जा रहा है। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय में राष्ट्रीय किसान संगठन के सदस्यों ने कई मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की बकाया किश्तों को दिलाने, पीलिया व इल्ली रोग लगने से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के वंचित किसानों को क्लेम दिलवाने, कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए मजदूरों को मदद व राहत दिलाने जैसी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम है साहब राम गोपाल व्यास, राष्ट्रीय किसान संगठन। आज ज्ञापन देना है क्या आप लोगों को? हाँ, ज्ञापन देना है साहब। क्या मांगे? हमारी मांग है मैन, किसानों की सारी फसलें इल्ली व पीलिया रोग से बर्बाद हो गई है, नंबर एक मांग तो ये है। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय में राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों द्वारा संघ से हुए समझौतों को लागू नहीं करने के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार वेतनमान के सुधार के संबंध में संघ से हुए समझौतों को लागू नहीं कर रही है, इसलिए 12 सितंबर को पूरे राजस्थान के सभी उपखंड कार्यालयों के आगे संघ द्वारा सरकार सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं किया जाता है तो बैठक आयोजित कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि आप और हम लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और औरों का भी ख्याल रखें। फिलहाल कोरोना से बचाव ही इसका उपचार है। कोरोना से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले समाचारों के साथ। नमस्कार।